Good morning, class. This is our new pathology class in which today we will study about the next topic of renal system, that is urolithiasis. Urolithiasis matlab urinary stone aap bhasha mein kehte ho, renal stone aap bhasha mein kehte ho, wo urolithiasis hai jisko hum aaj padhne wale hain. देखिए क्या होता है इस टॉपिक के अंदर जब अपन पढ़ेंगे तो देखिए ये क्या है, ये किडनी स्टोन है. अब किडनी स्टोन क्या होता है भाई, इसको हम और क्या कहते हैं, यूरिनरी कैलक्यूलाई कहते हैं. तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ यूरिनरी कैलक्यूलाई एट एनी लेवल इन द यूरिनरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड यूरोलिथियासिस. यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी लेवल पे अगर यूरिनरी कैलक्यूलाई बनता है तो उसे हम यूरोलिथियासिस कहते हैं. ये सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे. यूरोलिथियासिस, यूरोन वर्ड यूरिन से लिया गया, लिथियोस का मतलब स्टोन होता है. ये वो कंडीशन है जिसमें यूरिनरी स्टोन बनता है या लोकेट हो जाता है यूरिनरी सिस्टम में किसी भी जगह पर या यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी भी जगह पर. एपिडेमियोलॉजी, लोअर इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर ही ज़्यादा पाया जा रहा होता है, रीनल स्टोन के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं 20 से 49 की एज के अंदर, और 35 से 45 में तो इसका पीक इंसिडेंस होता है. मेल और फीमेल का रेशियो 3:1 रहता है. यूरोलिथियासिस को क्लासिफाई करें तो इसके टाइप्स ऑफ, ये किस किस जगह पर बन सकता है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, जैसे किडनी स्टोन, यूरेट्रल स्टोन, ब्लैडर स्टोन और यूरेथ्रल स्टोन. डायग्राम में आपको इसकी लोकेशन बताई गई है कहां कहां पर ये है. तो इन चारों जगहों पर कहीं पर भी जो है वो स्टोन बन सकता है. अब टाइप्स ऑफ स्टोन, तो चार तरह के स्टोन देखने को मिलते हैं, कैल्शियम स्टोन, स्ट्रियोवाइट, यूरिक एसिड स्टोन और सिस्टीन. स्ट्रियोवाइट को अपन मिक्सड स्टोन भी कहते हैं. कैल्शियम स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर के बना होता है. ये तब बनता है जब यूरिन, एसिडिक या एल्केलाइन कुछ भी हो तो बन सकता है. 75 से 80% केसेस के अंदर यही स्टोन देखने को मिलता है. यूरिक एसिड स्टोन, जब यूरिन परसिस्टेंटली लंबे समय तक अगर एसिडिक बना रहे तो उसमें यूरिक एसिड स्टोन के होने के चांसेस होते हैं, जो कि 5 से 10% केसेस में होता है. स्ट्रियोवाइट जिसको अपन मिक्स स्टोन कहते हैं, किडनी इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ है. मिक्स स्टोन जो है मैग्नीशियम, अमोनियम, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है जिसको अपन स्ट्रियोवाइट कहते हैं. 10 से 15% केसेस में ये देखने को मिलता है. लास्ट सिस्टीन का स्टोन, ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें डिफेक्ट आ जाता है सिस्टीन के ट्रांसपोर्टेशन में. ये एक जेनेटिक डिफेक्ट है जिसमें डिफेक्ट इन, ड्यू टू डिफेक्ट इन सिस्टीन ट्रांसपोर्ट, सिस्टीन का ट्रांसपोर्ट हो डिफेक्टिव हो जाता है. 1 से 2% केसेस में ये स्टोन देखने को मिलता है. अब देखिए ये जो यूरिनरी स्टोन है, इन चारों के बारे में बताया गया है. बड़ा करके देख लेते हैं भाई, नीचे पिक्चर भी बनी हुई है इनकी. कैल्शियम स्टोन कैल्शियम कंपाउंड का, स्पेशली कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है. कुछ दूसरे मिनरल्स भी जैसे कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह भी स्टोन को बनने में हेल्पफुल होते हैं. ये हाई कैल्शियम लेवल अगर किसी के अंदर हो रहा होता है जैसे हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में, या हाई ऑक्सलेट का लेवल होता है तो उससे कैल्शियम स्टोन के रिस्क बढ़ जाते हैं, जो ऐसा दिखाई दे रहा होता है. दूसरा है यूरिक एसिड स्टोन, ये बनता है लो यूरिन आउटपुट के कंडीशन में. अगर यूरिन आउटपुट बहुत कम है, काफ़ी कम यूरिन पास हो रहा होता है, एक्सेसिव इनटेक जो लोग प्रोटीन का ले रहे होते हैं, स्पेशली रेड मीट यानी रेड मीट मांस वगैरह ले रहे होते हैं, अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा करते हैं, इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़ जिनको होती है, गाउट होता है, क्योंकि यूरिक एसिड के ही क्रिस्टल्स बनते हैं जो हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, उसको अपन गाउट कहते हैं. ये मैंने आपको बोन वाले टॉपिक में कई बार बताया है. ये एसिडिक यूरिन में बनते हैं और ये प्लेन एक्सरे के अंदर दिखाई नहीं देते, ये ऐसे दिखाई देंगे पिक्चर इसकी. नाउ स्ट्रियोवाइट, इस तरह के स्टोन्स जो हैं वो यूरिनरी इन्फेक्शन से जुड़े हुए हैं. ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कास्ट बना लेते हैं. स्टेगोन कैलक्यूलस इसको कहते हैं. अगर अपन इसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं ये तो क्रॉनिक इन्फेक्शन कॉज कर देंगे और परमानेंट किडनी डैमेज कॉज कर सकते हैं. लास्ट सिस्टीन का स्टोन जो है, इनहेरिटेड डिफेक्ट आ जाए अगर अमाइनो एसिड सिस्टीन के ट्रांसपोर्ट में, ये स्टोन बार बार बनते रहते हैं यंग पेशेंट्स के अंदर भी. तो ये ऐसे देखो बड़े भाटे जैसे दिखाई दे रहे हैं.
तो ये केमिकल टाइप है स्टोन्स का। पैथोफिजियोलॉजी, रीनल कैलकुलाई का फॉर्मेशन जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, डिपेंड कर रहा होता है बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स के इंटरेक्शन पर, जैसे यूरिनरी कंसंट्रेशन स्टोन की जो है, आयंस फॉर्मिंग फॉर्मिंग आयंस जो आयंस बना रही होती है उनकी कंसंट्रेशन यूरिन में क्या है, यूरिन की पीएच क्या है, यूरिनरी फ्लो की रेट क्या है, बैलेंस क्या है प्रमोटर और इनहिबिटर फैक्टर्स के बीच में जो क्रिस्टलाइजेशन करवाता है, एनाटॉमिक फैक्टर्स जो कि यूरिनरी स्टासिस को एनकरेज कर रहे होते हैं, तो वो सारे फैक्टर्स आपको याद क्या रखना है। ये एक विस्कस साइकिल है यूरोलॉजी के, स्टोन की वजह से स्टासिस यानी रुकावट आएगा और ये इन्फेक्शन से जुड़ी हुई है या इन्फेक्शन की वजह से भी स्टोन हो सकता है। तो इनमें से आप किसी भी, इन तीन में से किसी भी एक चीज़ को अगर आप हटा देते हैं, इरेडिकेट कर देते हो, ये सारे के सारे जो हैं ऑल थ्री नीड टू बी इरेडिकेट। तो ऐसा नहीं खाली एक चीज़ को हटाया और समस्या से निजात मिल गया, नहीं, तीनों चीज़ों को हटाओ। ना तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए, ना स्टोन बनना चाहिए, ना इन्फेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये हीमेट्यूरिया के कॉमन कॉजेज हैं ये तीनों के तीनों। अब इसके बाद मैं आपको इडियोपैथोजेनेसिस बोल करके बता रही हूँ, सुन लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए क्या होता है, अगर किसी को हाइपर कैल्सीयूरिया हो जाए, हाइपर कैल्सीमिया हो जाए, यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो जाए, या जेनेटिक डिफेक्ट आ जाए सिस्टीन के ट्रांसपोर्ट में, या हाइपर यूरिकोस यूरिया हो जाए, या कोई और इनहेरिटेड एबनॉर्मैलिटीज़ हो जाए, तो इन सब की वजह से आयंस के सुपर सैचुरेशन की डिग्री जो स्टोन को बनाती है उसमें, और जो यूरिन में इनके इनहिबिटर्स हैं उनकी कंसंट्रेशन में अगर इम्बैलेंस आ जाएगा इन फैक्टर्स की वजह से, इम्बैलेंस आते ही क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने लग जाएंगे, यूरिनरी पीएच या तो अल्कलाइन हो जाएगी या एसिडिक हो जाएगी, और यूरिनरी वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसी से कैलकुलाई फॉर्मेशन होता है। तो ये पैथोफिजियोलॉजी जो आपको एरो एरो बना करके लिखनी है, मैं इसको इंग्लिश में बोल करके बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। हाइपरकैल्सीयूरिया, कॉमा हाइपरकैल्सीमिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जेनेटिक डिफेक्ट इन सिस्टीन ट्रांसपोर्ट, हाइपर यूरिकोस यूरिया एंड इनहेरिटेड एबनॉर्मैलिटीज, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। देन एरो, इम्बैलेंस बिटवीन डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन ऑफ आयंस फॉर्मिंग द स्टोन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर्स इन यूरिन, एरो डिपोजिशन ऑफ क्रिस्टल्स एल्कलाइन और एसिडिटी ऑफ यूरिनरी पीएच एंड लो यूरिनरी वॉल्यूम, लास्ट एरो कैलकुलाई फॉर्मेशन। इस तरह से आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इडियोपैथोजेनेसिस आपको लिखनी है। अब ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, ये वही जो मैंने अभी आपको बताया ना कि इम्बैलेंस आ जाता है, तो ये स्टोन फॉर्मेशन को प्रमोट करने वाले फैक्टर्स हैं, ये इनहिबिट करने वाले, वॉल्यूम अगर कम है यूरिन आउटपुट का ये प्रमोशन फैक्टर है, अगर ज़्यादा है तो इनहिबिटरी फैक्टर है, पीएच लोअर है और हायर है, सिट्रेट के केस में अपोजिट होएगा भाई, मोशन ज़्यादा स्टैटिक है या ज़्यादा स्टैटिक मतलब स्थिर है और ज़्यादा मोबाइल है यानी चलने फिरने वाला, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ऑब्वियसली प्रमोट करता है, जबकि स्टराइल अगर बैक्टीरिया नहीं है तो इनहिबिशन वाला, और स्टोन फॉर्मिंग आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है या वो डाइल्यूट हो जाते हैं। अब जो हमने लिखा है सिट्रेट में ये स्टार बनाए, तो स्टूवर्ट स्टोन जो है एक्सेप्शन होते हैं, क्योंकि इनके लिए एल्कलाइन पीएच चाहिए होती है, लोअर पीएच नहीं चाहिए होती, हायर पीएच पे बनते हैं। अब रिस्क फैक्टर्स क्या हैं स्टोन डिजीज़ के, तो एज, यंगर एज ग्रुप के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, पीक 40 साल की उम्र में काफ़ी कॉमन है, सेक्स मेल के अंदर कॉमन होता है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री जिनमें स्टोन फॉर्मेशन की चल रही है, कुछ रेसेस का भी रोल होता है। इसके अलावा पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री अगर है, डाइट अगर आप ओबेस्ड पर्सन है, हाई एनिमल प्रोटीन वगैरह लेते हैं जिसमें हाई कैल्शियम है, यूरिक ऑक्सलेट ज़्यादा है, पीएच अगर लो रहती है, सिट्रेट लो सिट्रेट, तो इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं स्टोन फॉर्मेशन के। अगर आप हाई सॉल्ट लेते हैं तो उसे हाइपर कैल्सीयूरिया हो जाएगा, हाई कैल्शियम इनटेक इज़ प्रोटेक्टिव, विटामिन डी अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं, विटामिन सी अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं, आपका कुछ ऑक्यूपेशन ऐसा है जिसमें आप सिडेंट्री लाइफस्टाइल हमेशा आराम आराम करते रहते, चलते फिरते नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या गाउट आपको रहता है, तो यूरिक एसिड के स्टोन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और लो फ्लूड इनटेक अगर आप पानी कम पीते हैं तो उनमें यूरिन आउटपुट 1 लीटर से भी कम होगा, तो स्टोन डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे। इंडिविजुअल फैक्टर्स में फैक्टर्स नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं। नॉन मॉडिफाइबल अगर फैमिली हिस्ट्री चलती आ रही है तो भैया आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, एथनीसिटी एज और जेंडर में आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, इसलिए नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं। जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइफस्टाइल के फैक्टर जैसे डाइट, आप सही डाइट लीजिए, ओवरवेट आप नहीं होने चाहिए, डिहाइड्रेशन का शिकार मत होइए, ओबेस
ओबेसिटी को कम करिए भाई, हटाइए, दूर करिए इसको, डायबिटीज़ को कंट्रोल करिए और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करिए। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, जैसे आपकी ऑक्यूपेशन या फिर ज्योग्राफी, आपकी ज्योग्राफी कुछ ऐसी है या आपका क्लाइमेट टेम्परेचर ऐसा है जो कि स्टोन फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, तो चांसेस बढ़ जाएंगे। तो लो यूरिन वॉल्यूम, अगर 1 लीटर से कम यूरिन 24 घंटे में पास हो रहा है तो स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूरिनरी पीएच अगर ऑल्टर्ड हो जाती है 5.5 से कम या 7.5 से ज़्यादा, हाइपर कैल्सीयूरिया हो जाए, हाइपर ऑक्सैलो यूरिया, ये सारे नाम मैंने आपको बता दिए, हाइपो यूरिकॉस यूरिया, हाइपर साइट्रेट यूरिया, हाइपो मैग्नेसी यूरिया, अब CMS के फिर प्रेजेंटेशन वेरिएबल होती है। पेशेंट जिनको यूरिनरी कैलकुलाई होता है उनको अक्सर पेट में दर्द होता है, इन्फेक्शन रहता है, हीमेट्यूरिया की भी शिकायत होती है, और कई बार ये सिम्टोमेटिक भी होते हैं भाई, कई बार हो सकता है सिम्टम ना दिखाई दें। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सबसे कॉमन जो है वो क्लासिक रीनल कॉलिक है, ये एक्यूट इसका ऑनसेट होगा, अचानक दर्द शुरू होगा, सीवियर फ्लैंक पेन हो जाता है जो कि रेडिएट करता हुआ ग्रोइन, स्क्रॉटल और लेबिया एरियाज के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। ग्रॉस या माइक्रोस्कोपिकली आप देखोगे तो आपको हिमेट्यूरिया देखने को मिलेगा, प्लस पर्सन में नोजिया वॉमिटिंग रहती है, हालांकि एब्डोमेन से जुड़ी हुई नहीं है, सिर्फ 50% केसेस में देखने को मिलती है। जो मेन हम बोल रहे हैं एक्यूट रिनल कोलिक जो है वो प्रोबेबिलिटी इसकी जो है वो एक्सक्रूसिएंटिंगली पेनफुल होता है पर्सन के अंदर, कई बार बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा स्टैगॉन कैलक्यूलाई जो है वो एसिम्टोमेटिक ही होता है, उसके सिम्टम्स नहीं दिखते। ब्रांच्ड किडनी स्टोन जो है वो रीनल पैल्विस को ऑक्यूपाई करता है, बाकी इन्फेक्शन हिमेट्यूरिया तो हम बोल ही रहे हैं बार बार। एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है यूरेटर के अंदर, जिसे कि सीवियर कॉलिक दिखाई देता है, फ्लैंक पेन है जो कि जिनाइटेलिया में दिखाई देगा, नोजिया वॉमिटिंग होगी, माइक्रो हिमेट्यूरिया है। बस ठीक है, ये वाले पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं, वही जो मैं बता चुकी हूँ। इसके अलावा एनीमिया रहता है, वेट लॉस होने लग जाता है, रीनल फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाता है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब लोकेशन और करेक्टरिस्टिक बता रहे हैं अपन पेन के, कि भाई किस जगह पर कितने डिग्री पेन होता है, यूरेट्रो पैल्विक जंक्शन पे, पैल्विक ब्रिम पे और यूरेट्रो वेसिकल जंक्शन पे जो है अगर स्टोन बन रहे होते हैं तो UPJ स्टोन जो है यूरेट्रो पैल्विक जंक्शन का स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, जिससे कि माइल्ड से सीवियर डीप फ्लैंक पेन होता है, ये रेडिएट नहीं होता ग्रोइन तक। जबकि यूरेट्रल स्टोन जो है वो कई बार एबरप्ट हो जाता है, बिगड़ जाता है, पेन बहुत सीवियर कॉली की पेन होता है, फ्लैंक पेन है, इप्सिलेट्रल होता है, लोअर एब्डोमेन के अंदर दिखाई देगा, ये रेडिएट होता हुआ टेस्टिकल रीजन और वल्वर एरिया में जा सकता है, बहुत इंटेंस नोजिया रहने लगेगा, बहुत तीव्र नोजिया होता है इस पेन के दौरान। नोजिया के साथ में वॉमिटिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पर नोजिया तो रहेगा ही। अपर यूरेटर के अंदर ये रेडिएट होता है पेन, फ्लैंक लंबर एरियाज के अंदर चला जाएगा। मिड यूरेटर में पेन जो है वो एंटीरियरली कॉडली रेडिएट होता है, अपेंडिसाइटिस जैसा लगता है कि शायद अपेंडिक्स का पेन है, राइट साइड में दिखाई देता है, अचानक शुरू हो जाता है, डायवर्टिकुलाइटिस होगा अगर लेफ्ट में ये हो रहा है तो डायवर्टिकुलाइटिस जैसा लगे, राइट में हो रहा है अपेंडिसाइटिस जैसा लगेगा पर्सन को। डिस्टल यूरेटर और UVJ स्टोन जो है वो पेन कॉज करता है, ये रेडिएट होता हुआ ग्रोइन टेस्टिकल रीजन में मेल में चला जाएगा, क्योंकि फीमेल में लेबिया मेजोरा तक चला जाता है। यूरेट्रो वेसिकल जंक्शन में ये इरिटेटिव हो जाता है, वॉइडिंग सिम्टम सिस्टाइटिस जैसे दिखाई देते हैं, सिस्टाइटिस मैं आपको पढ़ाऊंगी भाई, GB के अंदर मैं पढ़ाऊंगी आपको गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन। इसके अलावा यूरिनरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी और पेनफुल यूरिनेशन होगा, ये पेन डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ बताया गया, रीनल पेन और यूरेट्रल पेन बताया जा रहा है आपको इसमें, देखिए डायग्राम में। ब्लैडर स्टोन जो है ये यूजुअली एसिम्टोमेटिक होता है, यूरिनेशन के दौरान ये पास्ट होता है, रेयरली पेशेंट जो है इसका पॉजिटिवली यूरिन रिटेंशन को कंप्लेन करेगा, नहीं तो नहीं करता कि भाई यूरिन रिटेन हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ऑब्स्ट्रक्शन कई बार प्रेसिपिटेट हो जाता है, खड़े रहने की वजह से ज़्यादा बिगड़ जाता है ये,
बैठने लेटने से आराम मिल जाएगा इस दर्द में। इसके अलावा इस बीमारी में आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो, एंगल वगैरह को चेक कर सकते हो, टेंडरनेस तनाव आ जाएगा ये देखेंगे आप, एब्डोमेन के अंदर इवेलुएट कर सकते हो पर ये अनरिमार्केबल है, पेनफुल टेस्टिकल में नॉर्मल अपियरिंग होता है, कॉन्स्टेंट बॉडी की पोजिशनल मूवमेंट जैसे रिदिंग पेसिंग वगैरह के साथ में जुड़ा हुआ है, टैकीकार्डिया होता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, हिमेट्यूरिया भी दिखाई देता है पर बहुत कम हिमेट्यूरिया जो आप देख नहीं सकते हो। इसके अलावा आप डायग्नोस कैसे कर सकते हो, भाई हिस्ट्री ले सकते हो, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो, इमेजिंग ले सकते हो, लैब टेस्ट कर सकते हो। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में सिम्टम्स देखोगे, इंसिडेंट देखोगे जिसमें पेन और हिमेट्यूरिया रहता है, स्ट्यूवाइट अगर है, कैलक्यूलाई आप देख सकते हो, तो इनमें इन लोगों में बार बार यूटीआई के चांसेस होते हैं, बीमारी जैसी इनको फीलिंग रहती है, कमजोरी आ जाती है, भूख नहीं लगती है स्ट्यूवाइट के केस में। इमेजिंग के अंदर आप अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हो तो 95% के अंदर कैलिसिस दिखाई देंगे, कैलिसिस में पैल्विस में पाइलोयूरेट्रिक वैसी को यूरेट्रिक जंक्शन वगैरह पे आपको दिखाई देगा, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट डायलेट हुआ हुआ दिखाई देगा। KUB रेडियोग्राफी करवा सकते हो आप, इंट्रावीनस रेडियोग्राफी, इंट्रावीनस पाइलोग्राम और सिटी स्कैन भी आप करवा सकते हो। KUB क्या है, किडनी यूरेटर ब्लैडर रेडियोग्राफी होता है। अब ये डायग्नोसिस बताया गया है, यूरोलिथियासिस के अंदर अपन रेडियोग्राफी करवा रहे होते हैं कॉर्नर स्टोन को डायग्नोस करने के लिए, ये आपको यूरोलिथ के नंबर साइज शेप डेंसिटी और लोकेशन के बारे में बताती है रेडियोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी आप करवा सकते हो तो ये यूरोलिथ को डिटेक्ट करेगा और ऑब्स्ट्रक्शन कितना कॉज कर रहा है, यूरोपैथी कितनी हो रही है वो बता देगा, पर ये साइज शेप डेंसिटी नंबर नहीं बताता है। इसके अलावा ये नेफ्रोलिथ्स, यूरोलिथ्स, सिस्टो यूरेथोलिथ्स और यूट्रल यूरोलिथ्स के बारे में भी साइन सिम्टम देखो बताए गए हैं। जैसे यूरिथ्रल यूरोलिथ्स है तो डिसयूरिया पर्सन को रहता है, पेनफुल यूरिनेशन, स्ट्रैंग्यूरिया, हीमेट्यूरिया, यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन आपको दिखाई देगा। इसके अलावा अगर सिस्टो यूरोलिथ्स है तो इसमें पॉलिगोयूरिया, पर खैर इतना आपको ज़रूरत नहीं है, इतने अपन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस ये ठीक है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया। अब लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर अपन यूरिनरी सेडिमेंट को चेक कर सकते हैं डीपिस्टिक टेस्ट के द्वारा, सीरम में क्रिएटिनिन लेवल आपको बढ़ावा दिखाई देगा क्योंकि रीनल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाती है, और कितनी डिस्टर्ब हो गई है ये भी इस क्रिएटिनिन लेवल से आप पता कर सकते हो। इसके अलावा CBC करवा सकते हो फेब्राइल पेशेंट के अंदर, सीरम इलेक्ट्रोलाइट को देख सकते हो, वॉमिटिंग पेशेंट के अंदर 24 घंटे का यूरिन प्रोफाइल देख सकते हो। बस इसके साथ में आपका ये यूरोलिथियासिस का टॉपिक यहीं पे ख़त्म है, पर एक पॉइंट और बता दूं मैं आपको थैंक्स कहने से पहले, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सुन लीजिए। देखिए कैल्शियम स्टोन जो होते हैं वो छोटे ओवॉइड हार्ड डार्क ब्राउन विद ग्रेन्यूलर सरफेस आपको दिखाई देंगे, स्ट्यूवाइट के स्टोन आपको येलो वाइट ग्रे सॉफ्ट फ्राइबल और इरेग्यूलर इन शेप दिखाई देंगे। यूरिक एसिड के स्टोन जो होते हैं वो स्मूथ येलोइश ब्राउन हार्ड और मल्टीपल होते हैं, और सिस्टीन के स्टोन्स स्मॉल राउंडेड स्मूथ मल्टीपल येलोइश और वैक्सी दिखाई देते हैं। बस ये चीज़ आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, पैथोलॉजिकल चेंजेस हेडिंग डाल करके चार पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। इसके साथ आपका ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।